थैंक यू। चलिए आज एक नया प्रोडक्ट के साथ, इस प्रोडक्ट के बारे में अगर जितना भी बताया जाए बहुत कम होगी इस प्रोडक्ट के बारे में जब हम लोग जानेंगे। लेकिन मैं एक चीज हमेशा सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जिस प्रोडक्ट का ट्रेनिंग आप लोगों को मिलता है तुरंत इस प्रोडक्ट के बारे में हर एक मतलब अगर मैं मेल मेंबर की बात करूं तो आप जहां भी जाए प्लीज एटलीस्ट हर एक फीमेल प्रोडक्ट के बारे में आप लोग बताइए, आप जो भी प्रोडक्ट बता रहे हैं उसके साथ, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट जो हैं ये हर एक घर में, क्योंकि हम सभी को पता है कि हर एक घर में एक ना एक फीमेल रहता है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के प्रोडक्ट के साथ। आज के प्रोडक्ट का जो नाम है वो है केवा की फेमिनाइन ड्रॉप। इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने पहले ही कहा कि ये जो प्रोडक्ट है ये हर एक महिलाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोडक्ट है, क्योंकि आप लोग सभी जानते होंगे यहाँ पे अगर जितने भी लेडीज यहाँ पे हैं आप लोग सभी जानते होंगे कि एक महिला प्रेगनेंसी के थ्रू मतलब जब उनकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है उससे लेके जब उनके लाइफ की और एक फेज जिसे हम लोग कहते हैं मेनोपॉज, ये पूरे टाइम पे उनकी बहुत बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होती है। ऐसा ही नहीं कि ओनली फॉर हार्मोनल चेंजेस, इसके साथ साथ उनको गाइनो प्रॉब्लम, जैसे कि अगर मैं यूटेराइन फाइब्रॉइड्स की बात करूं, अगर मैं पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर की बात करूं, अगर मैं मेंस्ट्रुअल सर्कल की बात करूं, इसके साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। तो अगर मैं आज की टाइम पे 95% लेडीज की बात करूं तो उसमें आपको दिखाई देगी कि ये 95% लेडीज जिनका मेन प्रॉब्लम होती है ये सारे प्रॉब्लम, जैसे कि मेंस्ट्रुअल सर्कल में प्रॉब्लम, उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस में प्रॉब्लम, उनको पीसीओडी या तो पीसीओएस की प्रॉब्लम, ये अभी बहुत ज्यादा नॉर्मल हो चुकी है, राइट। इसका कॉजेस बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोगों को ये जानना है कि हर एक महिलाओं को अगर हम लोग एक सेफ लाइफ दे सके, राइट। देखिए जो चीज हम लोगों को ये लगता है कि ये बहुत ही नॉर्मल है, जिन महिलाओं को ये लगता है कि भाई ये तो मेरी एवरी मंथ की एक प्रोसेस है, इस टाइम पे ये सारे प्रॉब्लम बहुत ही नॉर्मल है, तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो जो प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को बताया, जैसे कि क्रैम्पिंग की बात करूं, मेंस्ट्रुएशन सर्कल में कोई भी प्रॉब्लम, जैसे कि एब्सेंस ऑफ पीरियड्स की बात करूं, अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये नॉर्मल है तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं जी नहीं, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। आज जिस स्टेज पे है शायद ये आपको नॉर्मल लग रही है, लेकिन धीरे धीरे इन फ्यूचर ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम ला सकती है। तो जब भी मैं प्रॉब्लम की बात करती हूँ मैं हमेशा बोलती हूँ कि केवा एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे हर एक प्रॉब्लम की सोल्यूशन है, और वही प्रॉब्लम की सोल्यूशन है आज की जो प्रोडक्ट है वो है केवा की फेमिनाइन ड्रॉप। केवा की फेमिनाइन ड्रॉप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट है हर एक लेडीज के लिए। जिनको प्रॉब्लम है वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम नहीं है फर्दर ये प्रॉब्लम ना आए उसके लिए ये इस्तेमाल करना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्रोडक्ट है ये वैदिक फॉर्मूला से इंस्पायर होके एंसियंट नॉलेज और उसके साथ आयुर्वेद को एड करके ये प्रोडक्ट बनाया गया है, जिसमें हर एक लेडीज को पूरी सपोर्ट मिलती है उनकी हर एक प्रॉब्लम में, राइट। इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने भी आप बोल सकते हैं हर्ब्स हैं, ऑल आर नेचुरल एंड आयुर्वेद, जिसमें हर लेडीज की कोई भी प्रॉब्लम हो उसे सॉल्यूशंस के साथ साथ उसे एक नया लाइफ देता है। उनका हर दिन का जो एक्टिविटी होती है उनको बहुत ही ज्यादा एक्टिव करने का काम करते हैं ये प्रोडक्ट, राइट। जैसे कि अगर मैं लेडीज की मेन प्रॉब्लम की बात करूं तो मेन प्रॉब्लम क्या होती है उनकी, एक है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम या तो मेंस्ट्रुएशन सर्किल में इरेगुलरिटी आना, मेनोपॉज की प्रॉब्लम, हार्मोनल इंबैलेंस या तो फीमेल की इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, राइट। ये सारी प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशंस हैं वो है ये फेमिनाइन ड्रॉप।
आखिर क्यों ये प्रोडक्ट, अगर मैं उनको आपको बोल रही हूं कि ये प्रोडक्ट बहुत ही यूनिक एक प्रोडक्ट है, तो आखिर ये यूनिक क्यों है ये भी जानना जरूरी है। देखिए, हर एक प्रोडक्ट का जो यूनिक, हर एक प्रोडक्ट जो यूनिक होती है, उनका मेन जो होती है, जो मेन रोल प्ले करता है, वो है इस प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट्स। अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूं, आज आपको ये फेमिनाइन ड्रॉप में आपको पांच इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाई देगी, जो है चेस्टल बेरी, डोंक्यू, ब्लैक कोहोश, जिंजर एंड उसके साथ साथ है ल्यूकोराइस रूट। लेकिन ये तो प्रोडक्ट है, मतलब ये तो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है, लेकिन इसका काम क्या है ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता चलता है कि ये कौन सी प्रॉब्लम में काम करता है, तो हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होगी कि हम लोग कहाँ पे ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, राइट? तो चलिए, सबसे पहले जिस इंग्रेडिएंट्स को लेके हम लोग बातें करेंगे, वो है चेस्टल बेरी। अगर मैं चेस्टल बेरी की बात करूं, तो ये सबसे मेन जो प्रॉब्लम होती है लेडीज की, वो है मेंस्ट्रुएशन सर्किल में प्रॉब्लम, जैसे कि जिसे हम लोग कहते हैं PMS, या तो इसे कहा जाता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, राइट? मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, एक्नी, मेनोपॉज की प्रॉब्लम, उसके साथ साथ जिनको भी फाइटो इस्ट्रोजेनिक इफेक्ट्स, मतलब अगर कोई भी लेडीज को कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें एक रोल प्ले करता है फाइटो इस्ट्रोजेन बोल के ये हॉर्मोन्स, राइट? तो ये क्या काम करता है चेस्टल बेरी, ये सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता है। उसके साथ साथ वुमेन्स की जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, उसे ठीक करने के साथ साथ ये और भी एक मेन काम करते हैं, वो है कि आप लोग जो कैल्शियम को इंटेक करते हैं, क्योंकि हर लेडीज को आफ्टर 30 के बाद कैल्शियम लेना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट? वो कैल्शियम को ब्लड के साथ एब्जॉर्ब करना, या तो हड्डियों में एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं ये चेस्टल बेरी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स पे चलते हैं, जिसका नाम है डोंक्यू। इसे फीमेल जिंक्शंस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये डोंक्यू जो है, ये बहुत दिनों से इसका इस्तेमाल हो रहा था फीमेल की कोई भी प्रोडक्ट में, मतलब फीमेल की कोई भी आप बोल सकते कोई भी गाइनो प्रोडक्ट के साथ इसका इस्तेमाल हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि ये जैसे कि फीमेल की मेन प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, इज अ एब्सेंस ऑफ पीरियड्स, क्रैम्पिंग की प्रॉब्लम। जब उनकी मेंस्ट्रुएशन सर्कल स्टार्ट होती है, उस टाइम पे जो पेनफुल पीरियड्स आती है, मेनोपॉज की जो सिम्टम्स दिखाई देती है, या तो अगर मैं इनफर्टिलिटी की बात करूं, ये सारे प्रॉब्लम में ये बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, या तो ये प्रॉब्लम को रिमूव करने में आपको हेल्प करते हैं। डोंक्यू बस इतना ही नहीं करते हैं, इसके साथ साथ ये ऑस्टियोपोरोसिस और उसके साथ साथ एनीमिया की जो प्रॉब्लम होती है उसमें में भी हेल्प करने में ये मदद करते हैं। ब्लैक कोहोश ये लेडीज के लिए बहुत ही एक बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स है। हर लेडीज का आप बोल सकते हैं, अगर कोई भी वो सप्लीमेंट ले रहे हैं कोई भी मेंस्ट्रुएशंस प्रॉब्लम के लिए, तो उसमें ये प्रोडक्ट रहेगा ही, क्योंकि ये आप बोल सकते हैं लेडीज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट्स है प्रोडक्ट की, राइट? ब्लैक कोहोश की जो मेन मेन चीज होती है, वो होती है कि हम लोग सभी जानते हैं कि ये जो फेज है, जिसे हम लोग मेनोपॉज की फेज कहते हैं, ये लड़कियों को आना ही है, राइट? लेकिन अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है, या तो यहाँ पे जितने भी मेल मेंबर हैं, आपको भी ये डिसाइड करना है कि आपके घर में जो फीमेल है, क्या वो इस फेज को बहुत ही पेनफुली बिताएंगे, या तो हंसते हंसते ये फेज को वो मतलब क्रॉस करेंगे। क्योंकि अगर मैं मेनोपॉज की बात कर रही हूं, तो इज अ वेरी पेनफुल एक फेज होती है एक लेडीज के। इस टाइम की उनकी इतने सारे हॉर्मोन्स की इम्बैलेंस होती है, उसके साथ साथ उनके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि हॉट फ्लश की एक प्रॉब्लम होती है, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन होना। ये ऐसा नहीं कि ये उनको पता होता है,
राइट ये मतलब क्या होता है, उनके हॉर्मोनल्स इस तरह से चेंजेस होने लगते हैं जहां पे शायद उनको पता भी नहीं होता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, राइट? किसी किसी को मेनोपॉज के लास्ट एंड में बहुत ज्यादा मतलब मेंस्ट्रुएशन सर्कल में बहुत ज्यादा मतलब फ्लोइंग होती है, राइट? या तो जैसे कि मैंने कहा हॉट फ्लश की प्रॉब्लम होती है, पूरे मतलब पूरे बॉडी में जलन सा महसूस होना इज अ वेरी पैथेटिक एक फेज चलती है। तो इस फेज में अगर आप ये प्रोडक्ट को उनको देते हैं तो उनको इस टाइम पे ये सारे प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं, जब उनको प्रॉब्लम हो रही है तब आप उनको दे, क्योंकि इज अ आयुर्वेद तो इसको आपके बॉडी में काम करने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो जब आपका फेज आने वाला है तो उससे पहले से एटलीस्ट 6 to 12 months पहले से इसे स्टार्ट करना जरूरी है। लेकिन मैं तो बोलती हूँ कि हर लेडीज को ये अभी से स्टार्ट करना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि भाई ये जो अगर फेस आना है तो इस टाइम पे कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो। ये क्या-क्या काम करते हैं? नंबर 1, ये तो मेनोपॉज के टाइम पे आपको रिलीफ देता है। इसके साथ साथ हॉट फ्लश की प्रॉब्लम, नाइट स्वेटिंग की प्रॉब्लम, बार बार मूड को स्विंग होना, ये सारे प्रॉब्लम में ब्लैक कोज बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जिंजर। ये सबके घर में रहते हैं, लेकिन हर हम लोग हमेशा यही जानते हैं कि भाई जब कफ होती है, जब फ्लू होती है, तभी हम लोग जिंजर की चाय पीते हैं। लेकिन ये जो जिंजर है ये बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं हर लेडीज के हर एक ऑर्गन पे, जहां पे उनको मतलब सबसे ज्यादा जरूरत होती है रिलीफ की, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल जिंजर इज अ एंटी कैंसर एक इंग्रेडिएंट्स होती है, राइट? हम लोग सभी जानते हैं लेडीज की एक बहुत ही नॉर्मल कैंसर ज्यादा से ज्यादा दिखाई देती है, वो है ओवरियन कैंसर। ये जो ओवरियन कैंसर में जो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है, या तो जो भी सिम्टम होती है वो एबनॉर्मल सेल को ग्रोथ नहीं होने देता है ये जिंजर। उसके साथ साथ और क्या काम करते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन सर्कल के टाइम पे जो क्रैम्पिंग या तो पेट दर्द की प्रॉब्लम होती है, उस टाइम पे जिंजर बहुत ही बेहतरीन तरह से उसे रिमूव करने के काम करते हैं। सिकनेस होना, या तो जिनका माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है उसमें में भी ये जिंजर बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स पे चलते हैं, जिनका नाम है लाइकोराइस रूट्स। लाइकोराइस रूट्स जो होती है ये कोई भी लीवर के प्रॉब्लम, जैसे कि स्टोमक अल्सर के प्रॉब्लम में काम करते हैं। उसके साथ साथ देखिए, ये सारे चीज गाइनो के साथ साथ और भी बहुत सारे प्रॉब्लम में काम कर रहे हैं। जैसे कि आज हम लोग ज्यादा से ज्यादा फीमेल के प्रॉब्लम को लेके बात कर रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इसका जो इंग्रेडिएंट्स है ये इंग्रेडिएंट्स ओनली फॉर आपकी गाइनो का ही प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं, इसके साथ साथ बाकी जितना भी प्रॉब्लम है उसमें में भी ये इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि अगर मैं ये लाइकोराइस रूट की बात कर रही हूँ, ये जैसे गाइनो प्रॉब्लम में काम करते हैं उसी तरह ही ये स्टोमक में अगर किसी का अल्सर की प्रॉब्लम है, या तो अगर किसी का डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, किसी को अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो उसमें में भी ये लाइकोराइस रूट काम करते हैं, राइट? अब चलते हैं, अगर मैं फेमिनाइन ड्रॉप की बात करूं तो फेमिनाइन ड्रॉप के बेनिफिट्स क्या है? हर लेडीज की हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशंस है ये फेमिनाइन ड्रॉप। जैसे कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस में रखना इसका मेन काम होती है। हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब आप कोई भी कुछ भी समझ सकते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन सर्कल में प्रॉब्लम, पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम, उसके साथ साथ थायराइड की अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, या तो आप बोल सकते हैं अगर पीरियड्स एब्सेंस ऑफ पीरियड्स की प्रॉब्लम हो, हर किसी प्रॉब्लम में आप ये फेमिनाइन ड्रॉप को ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ पीरियड्स के टाइम पे जो पेट की क्रैम्पिंग की प्रॉब्लम होती है, या तो पेट दर्द की प्रॉब्लम होती है, अगर मैं टीनेजर की बात करूं तो इस प्रॉब्लम में ये ज्यादा से ज्यादा टीनेजर बहुत ज्यादा सफर करते हैं। या तो ऐसा किसी किसी को ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जहां पे उनको स्कूल या तो कॉलेज भी
उनको मतलब ना जाने की ऐसा एक नौबत आ जाती है, राइट। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये फेमिनाइन ड्रॉप। उसके साथ साथ जिनका इनफर्टिलिटी या तो प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम है उसमें आप इनको दे सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन सर्कल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं, आपकी फुल बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि अगर आपके बॉडी में ब्लड प्रॉपरली सर्कुलेशन हो रही है तो इसका मतलब आपकी हर एक ऑर्गन बहुत ज्यादा एक्टिवेट होगी, और उसके साथ साथ आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव होने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो फेमिनाइन ड्रॉप आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने का काम करती है। नेक्स्ट, ये आपकी इम्यूनिटी पावर को इनहेंस करने के काम करते हैं, राइट। अभी जो सिचुएशंस हैं इसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा अगर इम्यूनिटी पावर को इनहेंस कर दे तो सबसे बेहतर है, राइट। तो लेडीज को आप कोई भी प्रोडक्ट दे उसके साथ साथ ये फेमिनाइन ड्रॉप देना ना भूले। आपकी घर का जो घर में जो लेडीज हैं उनकी जो ऑर्गन्स है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं जिसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है, वो ऑर्गन्स को एक्टिव बनाने के काम करते हैं ये फेमिनाइन ड्रॉप। ट्रेस एंड एंजाइटी को रिमूव करना, राइट। जब एक लेडीज की मेनोपॉज की टाइम चलती है इस टाइम पे उनका ये भी एक प्रॉब्लम होती है, जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में या तो एंजाइटी में चले जाते हैं, राइट। तो हम लोग कोई भी फेस पे इसे भी ऐड कर सकते हैं। उनका एनर्जी बूस्ट अप करना और टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करते हैं ये फेमिनाइन ड्रॉप। इमोशनली एंड फिजिकली एक्टिव रखना भी इसका एक मेन काम होती है। आपके हर एक ऑर्गन ऑर्गन से, मतलब आप बोल सकते हैं इज अ एंटीऑक्सीडेंट एक प्रॉपर्टीज है, जहां पे आपकी हर एक सेल को एक्टिव करना, या तो जो सेल रिएक्ट मतलब एक्टिव नहीं है या तो उनका एक्टिवेशन खत्म हो गया है उसे रिएक्टिव करने का काम करते हैं ये फेमिनाइन ड्रॉप। उसके साथ साथ और एक मेन चीज वो है कि आपकी एजिंग प्रोसेस को, राइट, क्योंकि हमने पहले ही जाना है कि ये सेल को ग्रोथ करने में और जो सेल एक्टिव नहीं है उसे रिएक्टिव करने का काम करते हैं ये फेमिनाइन ड्रॉप। तो इसका मतलब आपकी एजिंग प्रोसेस या तो जो एजिंग सेल है उसे फिर से एक्टिव करके आपको यंगर दिखाना, या तो आपको एक एंटी रिंकल बेनिफिट्स देना भी इसका एक काम आप बोल सकते हैं। ये ओनली फॉर आपके गाइनो सपोर्ट ही नहीं करते हैं, उसके साथ साथ आपकी जो हार्ट के ऊपर भी ये काम करते हैं, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को, आपकी बोन को, आपकी ब्रेस्ट हेल्थ को, और उसके साथ साथ मेनोपॉज के टाइम पे आपकी हेल्थ माइंड को ठीक रखना, या तो इम्प्रूव देना या तो एक्टिव करना भी इसका और एक मेन काम होती है। इस टाइम पे फेमिनाइन ड्रॉप बहुत सारे लेडीज का एक प्रॉब्लम होती है, वो है जब उनकी मेनोपॉज की टाइम चलती है उस टाइम पे उनकी वजाइनल एरियाज में बहुत ज्यादा ड्राइनेस, या तो आप बोल सकते हैं उस टाइम पे उनका बहुत ज्यादा इफेक्ट, मतलब बैक्टीरिया या तो कोई भी इन्फेक्शन की एक चांसेस होती है। फेमिनाइन ड्रॉप वो सारे चांसेस को खत्म करके उनको एक सेफ लाइफ देती है, राइट। अब चलते हैं इसका डोजेस के बारे में। अब आप जब भी इसे इनटेक करें एटलीस्ट 10 ड्रॉप करके ट्वाइस डेली, मॉर्निंग एंड इवनिंग में एम्प्टी स्टोमक इसे इनटेक करना जरूरी है। खाने से एटलीस्ट हाफ एन आवर या तो 1 घंटे पहले इसे इनटेक करना जरूरी है। उसके साथ साथ और एक चीज, इसे एटलीस्ट 6 to 12 months आप इसे कंटिन्यू इस्तेमाल कीजिए। आपको जो भी प्रॉब्लम है आपको आपको उसमें जरूर आपको रिलीफ मिलेगी। लेकिन एक चीज मैं हमेशा बोलती हूँ कि 6 to 12 months ही क्यों, अगर आप इनको हर टाइम मतलब लाइफ टाइम भी आप लेते हैं इसमें आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जब भी इसे लेंगे आपकी हेल्थ बहुत बहुत ज्यादा सेफ रहेगी कोई भी डिजीज से, कोई भी गाइनो डिजीज से, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं ये